चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। थ्री ब्लॉक्स ऑफ मासेस M1, M2 एंड M3 आर कनेक्टेड बाय मास्टर्स स्ट्रिंग एज शोन ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। दे आर पुल्ड विथ फोर्स T3 इज इक्वल टू 40 न्यूटन। ये T3 फोर्स है 40 न्यूटन का। M1 की वैल्यू 10 kg है, M2 6 kg है, M3 4 kg का है। टेंशन T2 की वैल्यू फाइंड आउट करना, यानी M2 और M3 के बीच में जो थ्रेड है, रोप है, इसके अंदर जो टेंशन होगा ये फाइंड आउट करना है। तो अगर ये 40 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, T1 और T2 जो होगा वो इंटरनल फोर्सेस होगा जो दोनों ब्लॉक्स M1 M2 के बीच में लगेगा। T1 और M2 और M3 के बीच में T2 लग रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है, यानी इंटरनल फोर्सेस हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और जो टेबल का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो जीरो है, तो इसलिए फ्रिक्शनलेस टेबल हो गया। फ्रिक्शनलेस टेबल बोला है क्वेश्चन में, तो फ्रिक्शन अगर होता तो वो एक्सटर्नल फोर्स होता इस केस में, ठीक है, इस सिस्टम का वो एक्सटर्नल फोर्स होता, लेकिन यहां लग नहीं रहा है। T1 T2 इंटरनल फोर्स है, तो उसे यूज किया नहीं जाएगा एक्सटर्नल फोर्स में। ये T3 ही 40 न्यूटन का जो है, यही आपका एक एक्सटर्नल फोर्स है, अदरवाइज कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो अगर तीनों सिस्टम को एक कंसिडर कर लिया जाए, M1 M2 और M3 तीनों मासेस को एक कंसिडर कर लिया जाए, तो इसमें सिर्फ एक T3 एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का, और इसी 40 न्यूटन की वजह से ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट होगा एक एक्सेलरेशन से। तो Fnet इज इक्वल टू क्या होगा, Mt इनटू A। Fnet की वैल्यू कितनी, 40 न्यूटन। तीनों का मास कितना है, M1 प्लस M2 प्लस M3, 10 प्लस 6 प्लस 4 इनटू A। A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 अपॉन ये कितना हो जाएगा 20, यानी एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो तीनों सिस्टम एक ही एक्सेलरेशन से चलेंगे, तो ये भी ए एक्सेलरेशन से, ये भी ए एक्सेलरेशन और ये भी ए एक्सेलरेशन से। तो अगर M3 का FBD आप बना लो, M3 का ये हमने यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं, एक नहीं चल रहा, रुको, हाँ ठीक है, M3 का FBD बनाते हैं। तो ये T3 इधर लग रहा है 40 न्यूटन, T2 इधर लगेगा, T2 कौन लगा रहा है, M2 ब्लॉक इधर लगा रहा है T2 फोर्स। तो अगर FBD बनाना है तो वैसे तो ग्रेविटेशन फोर्स भी लगाना चाहिए, चलो M3 जी लगा देते हैं और नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, एन इज इक्वल टू M3 जी के इक्वल होगा। लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, मोशन में कंट्रीब्यूट करेंगे नहीं, करेगा तो ये दोनों T3 और T2, और बॉडी एक्सेलेरेट कर रही है राइट साइड में, इट मींस T3 इज ग्रेटर देन T2। तो अगर आप इस बॉडी का Fnet लगाओगे तो M3 इनटू A, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू M3 इनटू A। तो T3 की वैल्यू कितनी है, 40 माइनस T2 इज इक्वल टू M3 की वैल्यू कितनी है, M3 की वैल्यू क्वेश्चन में 4 kg दिया हुआ है, 4 kg इनटू एक्सेलरेशन कितना है 2 है, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 माइनस 8 कितना होगा, 32 न्यूटन। T2 होगा 32 न्यूटन, यानी 8 न्यूटन का जो फोर्स है वो किसने यूज कर लिया, 40 में से 8 न्यूटन का इसने यूज कर लिया, और बाकी 32 न्यूटन का पीछे भेज दिया वो अपने आप को एक्सेलरेट करने के लिए, बाकी दोनों अपने आप को एक्सेलरेट करने के लिए कुछ इसमें से M2 ले लेगा, बचा हुआ M1 लेगा। तो 32 न्यूटन का फोर्स जो होगा T2 होगा, ये आंसर आपका अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।